जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें, आप जो पाना चाहते हैं लेकिन वो पॉजिटिव हो आपके लिए, तो वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम लेकर आए हैं गुड न्यूज़। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे जितना हो सकता है आप उतना कर रहे हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है तो कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई रिश्ते को लेकर, कोई करियर को लेकर, कोई फैमिली के लिए, कुछ ना कुछ हर कोई कर रहा है। तो ईश्वर आपको बहुत जल्द कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से, तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और ईश्वर का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो सही ऑप्शन चूज़ करने में आपकी मदद करें। और फिर आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा बताइए, हमने आज एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, वो कितने लोगों को समझ में आया? देखिए, हम सब जो बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, फिल्मी सॉन्ग होते हैं, उन्हें सब अपने अपने पार्टनर के लिए सुनते हैं, लाइक क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। कितने लोग ऐसी चीज़ों को ईश्वर के लिए सुनते हैं? आज ये जो क्रिएशन था, ये जो वीडियो क्रिएट किया गया, ये हमने नहीं, किसी और ने किया है, हमारे ही फैमिली के हिस्से हैं वो, हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं वो, तो उन्होंने इस वीडियो को क्रिएट किया है और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। देखिए उसकी एक एक लाइन सुनिए और समझिए। जब आप इस लाइन को अपने पार्टनर के लिए सुनते हैं तो हमें नहीं पता कि आप क्या फील करते हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। एक भक्त अपने भगवान से कहता है कि आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे आपकी नजरों ने। समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने। समझा। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है कि आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। मैं क्यों दुनिया की इन चीज़ों से डरूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे और आपकी नज़रों ने समझा। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर से सिर्फ वही लोग जुड़ते हैं जिन्हें ईश्वर चुनते हैं।
हर कोई ईश्वर से जुड़ नहीं सकता। ईश्वर से प्रेम भी वही लोग कर पाते हैं जिन्हें ईश्वर चुनते हैं। वरना आपको तो पता है कि दुनिया की भाग दौड़ में लोग किस तरह से बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं। किसके पास समय है ईश्वर के लिए? कौन ईश्वर से प्रेम करता है? लोग ईश्वर को अपने मतलब से भजते हैं, अपने मतलब के लिए याद करते हैं, ऐसे कहाँ प्रेम करते हैं। तो आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। ये जो सॉन्ग है ये आप कभी ईश्वर के लिए सुनकर देखिए, डीप लेवल पर आफ्टर मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, सब अलग अलग लेवल पर अलग अलग भाव से ईश्वर से प्रेम करते हैं। सिर्फ भजन सुनकर ही भगवान से कनेक्ट होना बड़ी बात नहीं होती है। हर चीज़ में भगवान से कनेक्ट हो जाइए, हर बात में, हर शब्द में भगवान से कनेक्ट हो जाइए। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में ईश्वर को देखना बड़ी बात नहीं है, कण कण में परमात्मा को देखना बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम भजन का, कीर्तन का मोहताज नहीं होना चाहिए। हर शब्द में आप परमात्मा को महसूस करें, आपका ऐसा प्रेम होना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो चलिए, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस फाइल को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो देखिए, अब आपको गुड न्यूज़ मिल रही है और हमें रिश्वत भी ना मिले, ये तो गलत बात है ना, गलत बात। तो फिर क्या करना है आपको? चलिए, हमें जल्दी से ढेर सारी पॉजिटिव सी रिश्वत दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, जैसे ना ईश्वर के प्रति आपकी डिमांड बढ़ती जाती है ना कि भगवान जी ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वैसे ही ना आजकल हमारी रिश्वत भी बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ एक रिश्वत चाहिए होती थी, अब रिश्वत बढ़ती जा रही है। तो चलिए रिश्वत बताते हैं पहले क्या देनी है। एक तो अपनी पॉजिटिव सी, प्यारी सी, क्यूट सी स्माइल देनी है हमें कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, हमसे प्रॉमिस करना है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी होपलेस मत होना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती है, समय बदलता है, वक्त बदलता है। तो आप अपने मन में हमेशा ख्याल रखना कि ये सिचुएशन भी बहुत समय तक टिकने वाली नहीं है। और हमारी तीसरी रिश्वत है कि अभी इसी वक्त आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, आपके स्पिरिट गाइडर हैं, आप इसी वक्त उन्हें ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। अब तक उन्होंने आपको जो भी दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करिए। ठीक है, तो ये है हमारी रिश्वत। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, जी हाँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि थोड़ा सा कम है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी थोड़ा सा कम है। थोड़ी कंडीशन की बात करें जिससे आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। ठीक है, कोई ऑफर मिल रहा है, किसी भी तरीके का कोई ऑफ़र मिल रहा है, प्रेम से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, कहीं से भी आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन आप कहीं और मगन हैं, आप किसी और चीज़ में डूबे हुए हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप उस ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। अब हो सकता है
कि जो लोग प्यार को लेकर परेशान हैं तो वो अपने एक्स पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई ऑफ़र मिल रहा है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। ऑफ़र किसका है? ऑफ़र कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा भेजा गया ऑफ़र है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान आपके पास्ट लवर की तरफ है, आपके एक्स की तरफ है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब छूट गई हो, जॉबलेस हो गए हों, उनको कहीं और से ऑफ़र मिल रहा है किसी चीज़ का उनके जॉब से रिलेटेड, बट वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार और करियर को लेकर ये चीज़ें नज़र आई हैं कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक तो आप चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ सडन होता है तो आप उसे जैसे कि होता है ना कि स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े द्वंद की स्थिति में है, सिचुएशन ऐसी है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ क्या करूँ, उसको चूज़ करूँ, उसको रिजेक्ट करूँ, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा आपका एडवांस में चल रहा है, अनकंट्रोल थॉट्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं, विचारों पर कंट्रोल नहीं है आपका, आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो ये सिचुएशन है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लाइक किसी ने प्रपोज़ किया है तो आपको लगता है कि मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं। और कुछ लोग किसी को प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं उसको प्रपोज़ करूं या फिर ना करूं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनका काउंटर पार्ट आया हुआ है अभी हाल फिलहाल, हो सकता है 3-4 महीने हो गए हों, 3-4 हफ्ते हो गए हों, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा लाइक इस द्वंद की स्थिति में है कि कैसा कनेक्शन है, कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, शायद वो इंसान मेरे लेवल का नहीं है, मुझे जैसा चाहिए ये वैसा भी नहीं है, पर क्यों मैं इसकी तरफ खींच रहा हूँ, क्यों मैं इसकी तरफ खींच रही हूँ। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी हैं। तो चलिए, ये तो कंडीशन की बात हुई, अगर इसमें से कोई भी आपकी कंडीशन नहीं है तो आप गुड न्यूज़ तो लेकर ही जाइए कि आपको बहुत जल्द क्या मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलने वाला है वो भी बताएंगे, उसके बाद गॉड गाइडेंस क्या है वो ज़रूर सुनकर जाना। गुड न्यूज़ ये है कि कुछ लोग किसी जर्नी पर जाने वाले हैं और वो जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, ये जर्नी बहुत फ्रूटफुल होगी। कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड किसी से मिलने जाना चाहते हैं या फिर कोई इंटरव्यू दे जाना चाहते हैं या फिर कहीं दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो आपकी ये विश पूरी हो रही है और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आप वहाँ जा सकते हैं और आपकी जो यात्रा होगी बिना किसी टेंशन की होगी, समझ रहे हैं, बिना किसी टेंशन के होगी। आर्थिक स्थिति की जिन्हें प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति की, तो उनको बहुत जल्द उनकी जॉब से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, वो जो भी करते हैं उससे रिलेटेड उन्हें बहुत जल्द एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो उनके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज़ है। एक बात और बता देते हैं कि कुछ लोगों को, आप मेल हैं फीमेल हैं, किसी न्यू पर्सन का प्रपोज़ल मिलने वाला है। हो सकता है कि आप अपने क्रश का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, आप अपने क्रश का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है और आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनको एहसास हो आपके प्यार का, वो आपके पास आएं, तो आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है, समझ रहे हैं, प्रपोज़ल मिलने वाला है। मैं आप अगर मेल हो फीमेल हो, पर आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है किसी ऐसे इंसान का जिसकी एज
25 to 35 होगी, इतनी एज होगी उनकी, इस बीच के होंगे वो, और वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, वो आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ईश्वर आपको ये खुशखबरी देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो न्यू प्रपोज़ल, दूसरा किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे आप जॉब करते हैं, आप चाहते थे कि आपका प्रमोशन हो, आप कुछ चाहते थे पार्टनरशिप में करना, कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में ख़रीदना चाहते थे, कुछ भी जो भी आप पार्टनरशिप में करना चाहते थे और वो काम नहीं बन रहा था, तो गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि अब वो आपका काम बनने वाला है, ठीक है, अब आपका वो काम बनने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी थी, कोई केस चल रहा था, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी से आप हमेशा डरे डरे से रहते थे, किसी इंसान से आप बहुत डरे डरे से रहते थे, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा था जो आपको डरा रहा था, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक फियर था, एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से ईश्वर आपको उस डर से मुक्त करने वाले हैं, समझ रहे हैं, उस डर से आपको मुक्त करने वाले हैं। वो जो भी एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उसे आपकी लाइफ से दूर करने वाले हैं, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। एक देखिए और बड़ी गुड न्यूज़ सुनिए, आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो जो आपकी इच्छा है, वो जो आपकी विश है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डियर आपकी वो विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, तो जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं होती हैं, उनका समाधान हमें मिल ही जाता है। माँ लक्ष्मी कुछ ना कुछ करके हमारी ज़िंदगी को चेंज कर ही देती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है आर्थिक स्थिति के लिए। माँ लक्ष्मी बहुत जल्द आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखिए कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते थे, हाँ जी, अपने पार्टनर के साथ, अब गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो लोग बाहर बाहर दूर दूर घूमने जाना चाहते हैं, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या फिर आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते थे, आपकी विश थी बहुत समय से, बहुत पुरानी विश थी, तो डियर गुड न्यूज़ है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है, आपको ईश्वर यही वाली खुशखबरी देने वाले हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कोई भी आ रही हो, लाइक आपके पार्टनर मना कर रहे हो, आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, या फिर किसी का डर हो आपके अंदर कि वो जाने नहीं देंगे, वो नहीं ले जाएंगे, वो मना कर देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ईश्वर पर छोड़िए। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि इस वीक आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। जिन लोगों को शिकायत थी कि उनके हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ उन्हें टाइम नहीं देते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें समझते नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, आपके हस्बैंड या वाइफ के दरमियान बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये आपकी दुआओं का असर है, आपकी प्रार्थनाओं का असर है, समझ रहे हैं। तो आप बहुत सारा टाइम अपने हस्बैंड वाइफ या फिर अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में एक हारमोनी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। जिन लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज चल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और वो बहुत परेशान थे, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि परेशान मत होइए, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बस कुछ चीज़ों के लिए अभी हम गाइडेंस देंगे, उन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और कि आप में से बहुत सारे लोगों को कभी कभी कोई इविल एनर्जी फील होती है आपके आसपास, लाइक कोई डेविल एनर्जी। देखो हमारे पास
अच्छी एनर्जी है या फिर बुरी एनर्जी है उसकी अलग अलग पहचान होती है। कभी कभी हमें अचानक से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, एक माइल्ड सी खुशबू। कोई आसपास नहीं होता, किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ नहीं होता, किसी ने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई हुई नहीं होती, लेकिन हमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है जहाँ पर खुशबू आने का कोई चांस नहीं है। तो आप ये समझ लो कि आपके साथ कोई देव शक्ति है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास, जो हो सकता है कि आपको देखने आई है। कभी कभी हमारे पूर्वज भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो हमसे मिलने आते हैं, हमें देखने आते हैं, या फिर हमारे स्पिरिट गाइडर हमारे आसपास होते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है। लेकिन कभी कभी अचानक से बहुत बदबू आने लगे, बहुत दुर्गंध आने लगे, अजीब सी स्मेल आने लगे, तो आप ये समझो कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के अंदर से खुशबू नहीं आती है, दुर्गंध ही आती है। तो आप ये समझ लेना कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमेशा फील करते हैं कि कोई था भी यहाँ पर। अब हम ये नहीं कहते कि आप अपने भय का भूत बनाओ, अपना भ्रम और स्ट्रांग करो, अपना इल्यूजन स्ट्रांग करो, हम ये नहीं कहते। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि कभी कभी फील होता होगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आपको फील होता है कि कोई है, तो देखिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी इसी वीक आपको वाइट और ब्लैक कलर का कोई फैदर मिलेगा, जो कि किसी कौवे का हो सकता है, समझ रहे हैं। उसे अपने घर ले आना, दो मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, ब्लैक एंड वाइट, उसको ले आना और अपने घर पे रखना। वो आपको डेविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और देखिए कभी कभी यही नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ में सक्सेस का डोर बंद करके रखते हैं। जो डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी ही हैं आपके आसपास जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट खड़ी करके बैठी हुई हैं, रुकावट डाल के बैठी हुई हैं। आपके परिवार में कलह क्लेश का माहौल बनाए रहती हैं, छोटी छोटी बातों में आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से निजात पाना, ठीक है, तो आप ध्यान देना, आपको वो जो पंख मिलेगा आप उसे लाकर अपने घर पे रख देना, ठीक है। कहाँ रखना है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बस सेफ जगह पे रखा हो, इधर उधर गिरे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आपको डेविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें क्योंकि एक ब्लेसिंग होगी, वो यूँ ही नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं एनर्जाइज फैदर होगा, तब आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंट्यूशन है कि हम आपको बताएं, और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखना कि आपके घर में काफ़ी एक शांति का माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी सुकून, पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें फील होंगी आपको, ठीक है। अब गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए, आप अच्छे से वो भी सुनिए। लाइफ में जो भी मिल रहा है उससे भागिए मत, दुख हो या फिर सुख हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरों पर ब्लेम करके आप बच जाएंगे कि ये इसकी वजह से हुआ है। यहाँ पर कुछ भी कभी किसी और की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ एक माध्यम होते हैं उस चीज़ को हम तक पहुँचाने का, बाकी हमारा कर्मा हमारी लाइफ में उन्हें लेकर आता है। जब तक आप इन चीज़ों से भागेंगे, तब तक आप इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से आप लाइफ में भागते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होंगी। उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए और उनसे एक सबक सीख लीजिए। तो दुख से भागिए मत, दुख को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। भागेंगे तो पीछा करेगा, नहीं भागेंगे तो वहीं रुक जाएगा। तो दुख को एक्सेप्ट करिए। और आपके अंदर जो एक चिढ़न होती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ये गलती मत किया करिए। माफ़ करना सीखिए, दिल बड़ा करिए अपना, माफ़ करना सीखिए। जब आप चीज़ों को माफ़ कर देंगे ना, तो आपके अंदर बोझ नहीं रहेगा। अभी आप कितने लोगों के प्रति नाराज़गी अपने सर पे लेके चल रहे हैं, कितने लोगों के प्रति गुस्सा, कितने लोगों के प्रति घुटन चिढ़न आप अपने अंदर लेके चल रहे हैं, कितना बोझ ढो रहे हैं आप, फील नहीं होता आपको, होता है फील आपको। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपने अंदर
फॉरगिवनेस की पावर बढ़ाइए, माफ़ करना सीखिए। माफ़ कर देंगे तो आप अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, बोझ नहीं रहेगा आपके मन में। जो लोग दिल पर बोझ लिए घूमते हैं ना दुनिया भर की चीज़ों का, दुनिया भर के लोगों का, किसी के लिए मन में कोई बात आई उससे तो कुछ कहेंगे नहीं, मन ही मन में रख लेंगे और फिर घुटते रहेंगे घुटते रहेंगे। या तो माफ़ कर दो या तो उससे बोल दो। अपने मन में क्यों पत्थर लेके चल रहे हो, इससे क्या होगा, आप ही बीमार पड़ोगे, आपका ही मन रुग्ण हो जाएगा, आप ही अस्वस्थ होगे। उससे किसी और का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो आपको फॉरगिवनेस की पावर लानी है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, जो लोग आपको नहीं समझते हैं, जहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिलता, जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, लेट गो करिए। क्यों ज़बरदस्ती उन रिश्तों में पड़े हुए हैं, हाँ? जो लोग नहीं समझते हैं उनके पीछे मत पड़े कि वो आपको समझें ही समझें ही। उनकी हो सकता है कि समझ इतनी ऊँची ना हो कि वो आपको समझ सकें। तो जो लोग समझ में नहीं आते, जो चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करिए, लेट गो करिए। कभी कभी हमारा नेगेटिव अटैचमेंट हमें बहुत ज़्यादा जकड़ के रखता है, बांध के रखता है। तो आपका नेगेटिव अटैचमेंट ही आपको चीज़ों से बांध के रखेगा और लाइफ में कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो अपने इमोशनल अटैचमेंट को, लाइक जो नेगेटिव टाइप का है, इसे रिलीज़ करिए और अपने ज़िंदगी में मुक्त होकर, स्वस्थ होकर, मस्त होकर आगे बढ़िए। जहाँ पर आपकी कद्र नहीं है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, तो उन रिश्तों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए और अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब आप खुद से प्रेम करेंगे, आप खुद की रेस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी एनर्जी को पहचानेंगे, तो लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपका ऑरा शाइन करता है और आपका ऑरा ग्रो करता है, बढ़ता है, जिससे और भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और इससे आपका फ्यूचर भी ब्राइट बनेगा। लेकिन आप अंदर से हेल्पलेस रहें, होपलेस रहें, नेगेटिव सोचें, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। और लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उन्हें स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो यूं ही नहीं आते, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ देने के लिए आते हैं, ठीक है? तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप खुद को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को बहादुर समझिए, ब्रेव बनिए, स्ट्रांग बनिए और इस ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए, नए तरीके से एक ज़िंदगी की शुरुआत करिए। जब हमारा नज़रिया बदल जाता है तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। अगर आप उसी पुराने नज़रिए से इस ज़िंदगी को देखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी दुखी रहेंगे और फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने नज़रिए को चेंज करिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने अंदर अपनी आत्मा में झांक कर देखिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने स्ट्रेंथफुल हैं। क्यों आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्यों आप दूसरों के सामने खुद को झुकाते हैं, क्यों अपनी इज्जत को तार तार करते हैं उन लोगों के सामने जो डिज़र्व ही नहीं करते उन चीज़ों को, हुँ? तो ईश्वर पे ट्रस्ट करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और ईश्वर जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। तो चीज़ों से भागना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और लोगों को माफ़ करना है, ईश्वर के प्रति और लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है। अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसका आभार व्यक्त करिए, एहसान फरामोश मत बनिए, आभार व्यक्त करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? तो ये यहाँ पर गुड न्यूज़ थी आपके लिए, ये आपके लिए गाइडेंस था, हमने आपको समझा दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द, ईश्वर की तरफ से आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है?
अब देखिए, आपको इतनी सारी गुड न्यूज़ मिल रही हैं, इतनी सारी खुशखबरी मिलने वाली हैं, तो हमें रिश्वत ना मिले ये तो गलत बात है। चलिए जल्दी से हमें रिश्वत दे दीजिए। आपको पता है ना हमें कौन सी रिश्वत चाहिए, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, पहले तो पॉजिटिव सी क्यूट से स्माइल दीजिए, अच्छे मन के साथ पॉजिटिव होकर, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरा, हमसे प्रॉमिस करिए कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप होपलेस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। क्योंकि एक बात लिख कर रखिए, ये क्या बताएं हम आपको, कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती है, चीज़ें बदलती हैं, और ये जो दिन है ना ये भी बदल जाएंगे। तीसरी रिश्वत ये है कि इसी वक्त अभी ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। अब तक उन्होंने आपको जो भी दिया है उसके लिए उनके आभारी बनिए, ठीक है, क्योंकि एहसान फरामोश नहीं बनना है, आभारी बनना है, आभार व्यक्त करना है। तो ये तीन हमारी रिश्वत थी, आई होप कि आपने दे दी होगी। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, मिथुन तुला कुंभ राशि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एरिस लियो सजिटेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब पहले कंडीशन बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रीडिंग आपकी है। अगर हम कंडीशन नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग मेरी है या फिर किसी और की, ये मेरी एनर्जी है या फिर किसी और की। चलिए बताते हैं। अभी आप ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स छुपा रहे हैं, जैसे कि अंदर से आप बहुत बेचैन हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपके दिल में विचारों का तूफान उठा हुआ है, जैसे कि सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिम्मत भी नहीं होती अपने परिवार से, फिर अपने प्यार से सवाल जवाब करने की। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको ऐसा फील कराया हो कि वो आपको कुछ बताना सही नहीं समझते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम उस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और अब मैं इनसे क्या बात करूं। मतलब कि हम उनसे बात क्लियर नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर घुटते हैं। और कुछ लोगों की सिचुएशन ये है कि जैसे कि दूर दूर से अच्छी आय के, अच्छी अर्निंग के चांस नहीं दिख रहे हैं। जितना अभी चल रहा है इतना काफ़ी नहीं है, इतना इनफ नहीं है। आज की महंगाई में, आज के दौर में आपको लगता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप शायद अपनी अर्निंग को इनक्रीज़ करने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कोई साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ ओवर टाइम करना चाह रहे हैं, काम लाइक कुछ अलग से करना चाह रहे हैं, फिर कुछ लोग कहीं जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम अर्निंग को लेकर है, मेन प्रॉब्लम आर्थिक स्थिति को लेकर है। तो इस वजह से भी आपको दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। इस वक्त आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। जैसे कि पारिवारिक कोई बात चल रही है परिवार में, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी लाइक ज़बरदस्ती कराई जा रही है। आप किसी और से प्यार करते हैं लेकिन आपकी शादी कहीं और तय हो गई है, आपकी फैमिली वाले आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको लगता है अब जो भी है वो ईश्वर ही कर सकते हैं, अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुका। अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही घर में भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने भी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है कि ठीक है तुम देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड है, जो इस वक्त अपने परिवार के कलह क्लेश से बहुत ज़्यादा परेशान है। कलह क्लेश किस टाइप का है, इमैच्योरिटी भरी बातें हैं और नॉनसेंस बातों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
समझ रहे हैं? तो आप ना अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं दूर जाके रहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपको लगता है कि आपके पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है, इतनी अच्छी इनकम नहीं है जिसके भरोसे आप अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ कहीं अलग रह सकें, या फिर आपको लगता है कि आप कभी बाहर गए नहीं हैं और अभी कैसे बाहर रहेंगे, कैसी चीज़ें मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में चल रही हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी में हैं, जो ट्विन सोल जर्नी में है लेकिन उनका मन बहुत अशांत है इस वक्त, बहुत अशांत मन है उनका। जैसे कि दो मन होते हैं ना, एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। तो एक कह रहा है इधर चलो, एक कह रहा है इधर चलो, एक कह रहा है ये करो, एक कह रहा है ये करो, जैसे कि कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम कर बैठे हैं, लेकिन उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, हो सकता है कि आप उन पर क्रश रखते हैं, आप उनके ऊपर क्रश रखते हैं और आपको बस ये लग रहा है कि अगर आप प्रपोज करते हैं तो क्या वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये जानना है कि क्या वो इंसान मेरे लिए कुछ फील करता है। कभी कभी आपका मन कहता है कि आप अपने दिल की बात कह दें, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मेरा लेवल नहीं है, कहाँ वो कहाँ मैं। तो इन चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कि एक किसी साइकिल का एंड हो रहा है, जैसे कि किसी एंडिंग प्रोसेस में चल रहे हैं आप, किसी रिश्ते का अंत होने वाला है, आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये इंसान इतने झगड़े क्यों कर रहा है। ऐसा होता है ना कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है, देखा आपने बुझते हुए दीपक को? ऐसे ही कुछ लोगों के रिश्ते में हो रहा है कि जैसे कि जब कोई छोड़कर जाना चाहता है ना, तो वो बेवजह के लड़ाई झगड़े, बेवजह के मुद्दे उठाता है, जैसे कि उसे एक बहाना चाहिए होता है। तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि किसी रिश्ते का अंत होने वाला है। अब ये चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, परिवार के किसी मेंबर के साथ हो, बहुत ज़्यादा बार 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 छोटी छोटी बातों को लेकर वो इंसान आपसे लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि शायद चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, शायद चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है, इस एनर्जी से गुड न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि ये यहाँ पर आपकी इसमें से कोई भी एनर्जी ना हो, लेकिन एनर्जी हम कैसे चेक करते हैं? हम ईश्वर से बोलते हैं कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो इसमें सबकी ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, कुछ की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती है। तो जिनकी ये एनर्जी स्ट्रांग होगी वो हमें लाइक इंट्यूशन के थ्रू मिल जाएगी, हम उनकी एनर्जी को कैच कर लेते हैं और फिर रीडिंग्स के थ्रू बता देते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं है तो उन लोगों की एनर्जी कम है, इस वजह से उनकी एनर्जी इधर रीडिंग में नहीं आई हुई है। लेकिन आप गुड न्यूज़ ज़रूर सुनकर जाइए, गॉड गाइडेंस ज़रूर सुनकर जाइए। इसमें से अगर आपकी कोई कंडीशन है, आपकी कोई सिचुएशन है, तो उसके लिए ईश्वर का संदेश और अपने लिए एक प्यारी सी गुड न्यूज़ ज़रूर सुनकर जाइए। चलिए अब सबसे पहले गुड न्यूज़ देते हैं हम। जो लोग मैरिड तो हैं लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत टाइम हो गया है, लोगों के ताने बाने सुनने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जिस नन्हे मुन्ने से मेहमान के आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अभी आ नहीं रहा है। आप बहुत परेशान हैं, जगह जगह पर मंदिर मस्जिद माथा टेक रहे हैं कि वो आए। तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अब देखिए आप किसके लिए ये आप प्रे करते हैं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिसके लिए भी आप प्रे करते हैं कि उनके घर नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाए, तो आपको बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनाई देगी, ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी कि उनके घर नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, ठीक है। एक बात और है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे थे, ठीक है,
और बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन आपको लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है इससे, जैसे कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहा था बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आपका मन हो रहा था कि छोड़ दो, लेट गो कर दो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट में आपको आपका कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था कि आप लॉस की तरफ जा रहे हैं, बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डियर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये समय है इंतज़ार करने का, ये समय है वेट करने का, अब घड़ा भरने ही वाला है और आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डियर आप मूव ऑन मत करिए, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि घड़ा भरने वाला है, जिस समय की आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं कि काश ये मुझे मिल जाता, तो डियर वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, अब गुड न्यूज़ कौन सी है? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने बहुत फेथ रखा, बहुत पेशेंस रखा। हमने बताया ना कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करने के लिए, लेकिन जैसा लग रहा है कि कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत समय से आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो ईश्वर अब आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भी अब मूव ऑन नहीं करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद मैंने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद मैं गलत जगह वर्क कर रहा हूँ, तो अब उनका मन हो रहा है कि वो इसे छोड़कर कुछ और करें, तो अब आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हाँ हाँ, अब ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड, बहुत जल्द आप अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, अब आपको निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता तो कठिन होता ही होता है, चाहे किसी भी चीज़ का रास्ता हो, मंजिल तक पहुँचना आसान नहीं होता। अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते भी ऊंचे नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको लेट गो नहीं करना, छोड़ना नहीं, हटाओ छोड़ो नहीं करना, हमें छोड़ना नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़िए, सफलता बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो ईश्वर यही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान थे, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सब्र का जो फल है वो अब आपको मिलने वाला है, समझे हैं? और देखिए, हमने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि शायद आपको आपके काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है वो आपको बेचैन कर रही है, क्योंकि इस वक्त शायद आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो परेशान है। जी हाँ, वो परेशान है। हमने कई बार बताया है कि जो लोग ट्विन सोल जर्नी में होते हैं, अगर आपका पार्टनर परेशान है तो आपकी एनर्जी भी अचानक ही बदल जाएगी। कभी कभी फील किया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने कि सब कुछ बेहतर होता है, घर में हंसी खुशी का माहौल होता है, और हमारा रोने का मन करता है। क्यों? किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं है, सब जगह बात करके देख ली, कोई बैड न्यूज़ सुनने के लिए नहीं मिली, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर क्यों रोने का मन करता है? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट हो उसकी एनर्जी सैड हो, तो कभी कभी आपके काउंटर पार्ट की सैड एनर्जी आपको इफेक्टेड करती है, आपको प्रभावित करती है, उसकी एनर्जी आप फील करते हैं, क्योंकि दो जिस्म एक जान है, एक ही एनर्जी है, जो उसे होगा वो आपको भी फील होगा। अब बताइए, जो कहते हैं ना कि एक माँ के दो जुड़वे बच्चे, दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, ट्विंस होते हैं जो, तो जब उनमें चीज़ों का आभास होता है, एक दूसरे के दर्द का, एक दूसरे की खुशियों का एहसास होता है, आभास होता है, तो फिर ये तो ट्विन सोल्स हैं, आत्मा है, यहाँ तो और भी डीप लेवल पर चीज़ें फील होती हैं, और भी डीप लेवल पर। तो हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा आपका माइंड इस वक्त डिस्टर्ब है, मन कर रहा है ये करे, एक मन कर रहा है ये करे, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ सुनने के लिए ये मिलेगी कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट हैं,
हाँ, अगर आप अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर रखा है किसी भी वजह से, तो बहुत जल्द आपके साथ अपने रिश्ते बेहतर करने वाला है। मतलब कि जो ट्विन एनर्जी है, आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, और जब दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, जब दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एनर्जी जो इम्बैलेंस हो रखी है वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। हो सकता है कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या फिर वो खुद भी आपसे मिलने आ जाए। अगर उनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो बहुत जल्द आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, जो बात हम लोगों के लिए पहाड़ जैसी लगती है, ईश्वर के लिए सरसों के दाने के बराबर होती है। राई, सरसों का दाना देखा है, सरसों, तो ईश्वर के लिए सब कुछ बहुत छोटू छोटू सा होता है, छोटी बात है। जो बात हमारे लिए बहुत बड़ी, उनके लिए बहुत छोटी है। तो ये समझ लो कि ईश्वर कहने वाले हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी में कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड क्रिएट होने वाला है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ कौन सी है, फैमिली में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव, भेदभाव, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए गॉड गाइडेंस ये है कि अभी आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि आपको मेडिटेशन करना नहीं आता, कैसे करेंगे, ठीक है, आप मेडिटेशन मत करिए, बस खुद से वादा करिए कि आप डेली 2 पेज गायत्री मंत्र लिखेंगे, डेली लिखेंगे। चाहे आप दिन भर में 2 पेज लिखें, और चाहे आप 1 घंटे में लिखें, चाहे आधे घंटे में लिखें, चाहे सुबह लिखें, चाहे रात में लिखें, पर आपको लिखना है। अगर आप गायत्री मंत्र लिखना शुरू कर देते हैं डेली 2 पेज, तो हम वादा करते हैं आपसे कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपके घर में जो आपको ही भेदभाव वाली दृष्टि से देखते हैं, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनकी एनर्जी आप अपनी एनर्जी से चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मेडिटेशन करते हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग उनसे कल बात नहीं करते थे, आज वो बात करने के लिए तरसते हैं। जो लोग कल मुंह मोड़कर चले जाते थे, जो लोग कल भला बुरा बोलते थे, आज वो हमसे बात करने की चाह रखते हैं, कोशिश करते हैं हमसे बात करने की। क्या बदल गया? क्या उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए? क्या कर दिया उन्होंने उनके लिए? कुछ नहीं किया, बस उन्होंने अपना सुधार किया, अपने अंदर की एनर्जी को इतना स्ट्रांग बना दिया कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया कि हर कोई उनसे अट्रैक्ट होने लगा है। आपने भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनी है, देखी है, सुनी, जो भी है, वो एक राजा के पुत्र थे ना। तो कहते हैं कि राजाओं में क्या होता है कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है ना, तो उसके लिए उन्हें हर देश से युद्ध करना होता है, फिर जीतना होता था। लेकिन बुद्ध अहिंसावादी थे, उन्हें हिंसा नहीं करनी थी, और इसी वजह से उन्होंने संन्यास का रास्ता चूज़ किया था कि जहाँ पर इतने लोग मरते हैं, जहाँ पर इतने लोगों की हत्या हो जाए, ऐसा क्या करना है, समझ रहे हैं। तो उस टाइम पर जो लोग उनसे चिढ़ते थे, जो लोग उनसे जलते थे बुद्ध से, मतलब के सिद्धार्थ से, जो लोग चिढ़ते थे, लेकिन जब वही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, तो उन्हीं लोगों ने ही, जो उनसे कभी चिढ़ते थे, अलग अलग जो राज्य के राजा थे, उन्होंने ही उनसे संन्यास लिया। क्या हुआ? क्योंकि उनकी एनर्जी चेंज हो गई पूरी तरीके से। तो ऐसे ही हम सब चाहें तो अपनी एनर्जी बदल सकते हैं, और हमारी एनर्जी बदलती है ना, तो परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं, लोगों को भी बदल सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर होता है। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, बस सोचते हैं कि बस कोई एक जंतर मंतर की पुड़िया पकड़ा दे और बस मिनटों में हमारा काम हो जाए। तो फिर यहाँ पर वही बात लागू होती है कि बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहाँ से खाए। क्या पता आपने पूर्व जन्म में बबूल का पेड़ लगाया हो और इस जन्म में आप आम खाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आप तभी खाएंगे जब उस बबूल को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब वो कैसे उखड़ेगा? मेडिटेशन से उखड़ेगा, समझ रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस करने से उखड़ेगा, कर्मा को क्लीन करने से उखड़ेगा, तब आम निकलेंगे उसमें से, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन ज़रूर करना है। कुछ लोग यहाँ पर महादेव को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं,
तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके सपने में आपको आपके महादेव दर्शन देने वाले हैं। आपको या तो कोई स्नैक दिखाई देगा वाइट कलर का, समझ रहे हैं, सफ़ेद सर्प आपको दिखाई पड़ सकता है सपने में, जो कि कहीं ना कहीं महादेव की ब्लेसिंग लेकर आएगा आपके लिए। और उसके दर्शन मात्र से, आप भले ही सपने में दर्शन करेंगे लेकिन उसके दर्शन मात्र से आपकी ज़िंदगी से 50% टॉक्सिक चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाएंगी, अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं महादेव की ब्लेसिंग मिलने वाली है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को। और एक बात बताएं, आपके जो पूर्वज हैं उनका भी सपोर्ट आपके साथ रहता है, आपके जो पूर्वज हैं उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस होने वाला है, ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब देखिए, एक गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों का कोई केस चल रहा है, कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, या फिर डाइवोर्स केस चल रहा है, या कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा चल रहा है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जस्टिस आपको ही मिलेगा, न्याय आपको ही मिलेगा, जीत आपकी ही होगी, समझ रहे हैं। और जिन लोगों ने बुरा किया है, जिन लोगों ने तकलीफें दी हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा आप खुद मिलते हुए देखेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ही है ये, क्योंकि हम लोग अक्सर पूछते हैं ना कि भगवान क्या तुम हो, अगर तुम हो तो फिर इन दुष्टों को इनके कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिलती। तो भगवान आपको दिखाएंगे कि हाँ वो हैं, और आप खुद देखेंगे अपनी नज़रों से कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है कहीं से, अचानक से आपको कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद दिख रही है, समझ रहे हैं, अचानक से कहीं से, या तो कर्ज के तौर पर आपने किसी को पैसे दिए हो तो मिल सकते हैं, कोई लॉटरी जीत सकते हैं, कुछ भी, मतलब सडनली आपको कहीं से पैसे मिलने के यहाँ पर काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो था, एटीट्यूड था, लेकिन वो बहुत मिस्ट्री क्रिएट करते थे, ना वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे और ना आपको जाने दे रहे थे। तो बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा कि आपके पार्टनर इस कदर मजबूर हो जाएंगे कि वो आपसे अपने दिल की बात कह देंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे। ये बहुत सारे लोगों के क्रश हैं जो कहीं ना कहीं मिस्ट्री क्रिएट करके रखना पसंद करते थे, और आप हैं कि उनकी मिस्ट्री में खोते जा रहे थे, परेशान होते जा रहे थे। तो डियर, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके जो मिस्टीरियस पार्टनर है ना, वो बहुत जल्द आपको अपने दिल की बात कहने वाले हैं, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हैं। कंप्लीशन के बाद क्या होता है, न्यू बिगनिंग होती है, जैसे कि शरीर की जो उम्र होती है वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, अब अंत होगा, उसके बाद आरंभ होगा। ये कंप्लीशन किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, मतलब कंप्लीशन मतलब एंडिंग भी हो सकती है, कंप्लीशन मतलब कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन मतलब यूनियन भी हो सकता है। कंप्लीशन के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अपने अपने तरीके से आप इसका बहुत सारा अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। गॉड गाइडेंस सुन लीजिए, फुल मून है आज, पूर्णिमा की रात है, हो सके तो 10 मिनट फुल मून के नीचे लाइक छत पे बैठ के मेडिटेशन जरूर करना। और जितने लोगों ने किसी भी तरीके के स्टोन्स पहन रखे हैं, ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं, तो अपने ब्रेसलेट्स को, जो भी आपने धारण करके रखा है, उसे आज छत पर फुल मून की नाइट में रख देना, क्योंकि आज का जो मून है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्रभावित है, और उसकी रोशनी से आपके जो ब्रेसलेट्स हैं वो सब चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं चीज़ों से, आपको लगता है कि वो मेरा सम्मान नहीं करते, वो मेरा साथ नहीं देते, और मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि जब तक आप खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर स्ट्रेंथ और अवेयरनेस लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरों के भरोसे मत चलिए,
अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। जब आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, आपका आत्मविश्वास लोग देखेंगे तो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अंदर से उनको दिख रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और आप कोई काम करने चल रहे हैं, तो वो आपका सपोर्ट क्यों करेंगे? उन्हें लगेगा भाई हम इसका सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि इसने तो जीतना ही नहीं है, इसे तो उस फील्ड में सक्सेस होना ही नहीं है, तो फिर इसका सपोर्ट क्यों करें? तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि जब आप अपना टैलेंट, अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे काम के प्रति, तभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है, तो प्लीज़ इसे बैलेंस करके रखें, हर चीज़ को बैलेंस्ड करके रखें। प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, इन सब चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करके रखा करिए। और हमेशा अवेयरनेस से काम लिया करिए, अवेयरनेस रखा करिए कहाँ पे क्या हो रहा है। एक होता है ना कि बिल्कुल किसी की बात सुन ली और मान ली, किसी ने कुछ कह दिया बस मान लिया। गहराई से चीज़ों को समझिए, उसके बाद उस पर एक्शन लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब देखना आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर कितनी सारी गुड न्यूज़ हमने आपको बताई हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे, ओम साईं राम।